कैसी लगी बाइक? ब्रूम ब्रूम, मेरी बाइक आ गई। नमस्ते जी एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड आई एम फेसिंग द कैमरा अगेन आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। इट फील्स रियली रियली गुड एंड आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज आई एम गोइंग टू गेट माई न्यू सुपर बाइक। द फीलिंग इज ऑसम गाइज एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड बिकॉज आई हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट दिस बाइक एंड आई रियली वर्कड हार्ड फॉर इट। I can't say, I can't express anymore because and also I'm actually waiting to get my hands on that particular bike. So let's get started. I will arrive very very soon at the destination where I am going to pick my new babe. Uska naam jo bhi hoga wahi pe sochenge, dekhenge kya hoga. And I would say that it's one of the most popular bikes and the meanest bikes out there in the market. But I also feel very very sad about selling my old Speed Triple 1050. I would say that it was one of the most reliable and the sweetest liter class bikes, and on which I did endless kilometers of traveling, touring, whatever you can say. मैं कहाँ कहाँ उस bike पे गया, मैंने challenge किया उस bike को हर route पे, and इतनी सारी memories थी। But उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट आप लोगों को भी होगी, मुझे भी होगी जब मैं आपको अपनी न्यू बाइक दिखाऊंगा। सो फाइनली आई हैव रीच एट द डेस्टिनेशन। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। पहले शेड बेड्स पहन लेता हूँ थोड़ा स्वैग के लिए, राइट। और आई एम एट कावासाकी वेस्ट दिल्ली। तो एक हिंट तो मिल गया है कि कावासाकी की बाइक है, बट कौन सी है वो भी आपको धीरे धीरे बताऊँगा मैं। एंड मैंने बहुत टाइम से ये प्लान कर रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मेरे को, मतलब आई टुक एटलीस्ट वन और टू मंथ्स टू प्लान दिस बाइक। मैंने औरों की भी पुरानी बाइक राइड करी, उस हिसाब से मुझे फिगर आउट करा, मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट्स करी, उस हिसाब से मैंने प्लान आउट किया। तो मैंने अपने कुछ खास दोस्तों को भी बुलाया हुआ है आज के दिन टू सेलिब्रेट दिस इवेंट विद मी। तो अभी मेरे साथ है मेरा फ्रेंड उज्जवल। हाय गाइस, इसका भी कार एंड बाइक्स का यूट्यूब चैनल है, वो भी आपको मैं लिंक में डिस्प्ले हो रहा अभी। एंड थैंक यू सो मच टू सरबजीत जी एंड मैम फॉर अवेलिंग मी दिस बाइक एट द राइट टाइम, जब मैंने जहाँ पे डिसाइड किया उसके लिए। तो थैंक यू सो मच। तो ये जो बॉन्ड है ये बना रहेगा, और जिसकी वजह से मैंने ये बाइक ली है वो बंदे भी आने वाले हैं। मतलब उन लोगों ने सेक्सी से कावा सेक्सी बना ही दिया है, और बहुत लोगों को बना रहे हैं अभी भी धीरे धीरे करके। तो जिस वजह से मैंने बोला था कि मैं जिसकी वजह से मैंने 10R ली है, मैं पहले उस बंदे को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो प्लीज़ कम इन द फ्रेम। हेलो भाई। हेलो ये अपने प्रभाकर भाई, बहुत भाई हमारे डुबाने में नंबर वन है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। और मैं रीज़न बता देता हूँ, मैं बीच में जब छोटी सी राइड पे इनके साथ गया था 10R पे, इनकी 10R राइड करी थी, तो मैंने माइंड बनाया कि यार बाइक तो ये लेनी है। एंड सच्ची बताओ ये पॉजिटिव फीडबैक देते हैं हर चीज़ का, तो एक तरीके से लिए मेरे बड़े भाई जैसे हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी है। और सच में अब मतलब अब जो निंजा ब्रदर्स का जो दो का पेयर चलता था उसमें ट्राई होगा आज चौथा भी करवा के ही जाएंगे। बिल्कुल हमने कहा हर एक डिलीवरी पे की बुकिंग करा देंगे, जो आएगा वो लेके जाएगा। आज करके जाना है, मैंने कहा, मैं यही बोल रहा था कि सेक्सी से कावा सेक्सी बनाने में भाइयों का सच में बोल रहा हूँ। बट फील्स ऑसम। अभी भी मैंने बाइक मैंने एक्चुअली बता दी है अब कौन सी बाइक ले रहा हूँ, उसमें ज़्यादा इसको छुपाने का कोई तरीका नहीं है। सो ZX10R 2021 मॉडल ले रहा हूँ मैं। 2022 इसलिए नहीं लिया, सिर्फ कलर डिफरेंस था, तो मैंने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है, डिस्काउंट थोड़ा बहुत मिल गया था यहाँ पे। देखो अभी यहाँ पर आई नहीं, पहले से और दूसरे लोगों की भी बुकिंग करवाने के पे लगे हुए। मैं बोल रहा ना, इनके साथ आओगे जो तीसरा बंदा होगा ना, जिसके पास वो कावासाकी नई भी होगी तो वो लेकर ही जाएगा। तो बेसिकली ये है हमारे कावासाकी के डॉक्टर साहब। अच्छा, डॉक्टर ही है? नहीं, डॉक्टर ही है ये, बिल्कुल। मतलब जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ना, दी इकोनॉमिक्स एंड दी मैकेनिक्स ऑफ दी बाइक, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं अपने निशान भाई। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच।
इनसे तो मिलवाना भूल ही गया। ये हमारे फ्रेंड मनविंदर जो हमारा इवेंट पे एक छोटा सा पार्ट एक कॉन्ट्रीब्यूट एग्जैक्टली फ्रेंड एंड फैमिली मैंने बोला था ना एक छोटी सी फैमिली है उसका हिस्सा है हम सब। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आए हो इस इवेंट का पार्ट बनने के लिए और अपनी अपनी गुड विशेस देना। कांग्रेचुलेशंस एंड पर्सनली मतलब जैसे प्रतीक का व्लॉग आता है आई एम द फर्स्ट मैं पहला व्यूअर होता हूँगा सो आई ऑलवेज कमेंट ऑल्सो सो मेरे को बहुत अच्छा लगता है स्पेशली द कंटेंट ही सेज वो कंटेंट बहुत अच्छा होता है एंजॉय है मेरी पूरी फैमिली भी देखती आते जाते पीछे पीछे सारे देखते जाते हैं। थैंक यू सो मच रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू वॉच योर नेक्स्ट व्लॉग ऑन दिस बाइक। थैंक यू सो मच ब्रो थैंक यू सो मच। इस बंदे को जिस साल में छोड़ा था ना वैसी मिला ही है तो पहचान में नहीं आ रहा होगा। ये है रोहित वो ऑन सा Z900 एंड इसने काफ़ी टाइम बाद अपनी बाइक चलाई है और काफ़ी टाइम बाद भी भाई अभी लास्ट वीक मैं बोलने देने भाई इसी वजह से ये लाया है कि आज इसकी बाइक चल जाएगी सो दैट ये शोरूम पे भी आ सके ठीक है। बट फील्स गुड पार्ट ऑफ फैमिली और कावासाकी ब्रदर्स बन गया और सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी नंबर आएगा जब आएगा तब दिखाएंगे। तो इसकी सीरीज जो है दैट इज 11D9191 मैंने लिए 11K9191 क्योंकि हम कृष्णानगर से हैं भाई साहब ईस्ट दिल्ली बॉयज कृष्णानगर। सो ही इज द सेवियर ऑफ द डे मिस्टर अजिताभ जी। नहीं नहीं हाँ सही बात है नहीं भैया ने मुझे डांटा भी बहुत है नहीं मैंने बिल्कुल नहीं एक्चुअली मैं देखो स्ट्रगल तो होती है बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं पता आप लोगों को भी कि बाइक आनी थी पहले आनी थी मैं बताता हूँ नहीं नहीं हाँ जी हाँ जी भैया की बाइक मेरी वजह से डिले हो रही थी फिर इन्होंने मेरे गर्दन पर चाकू नहीं रखा बट बाइक आ गई। अरे थैंक यू सो मच जो भी है टाइम पर बाइक आई और नहीं नहीं ये फीलिंग मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे को उन्होंने किया था मैं तो डिप्रेशन में चला गया क्या कर रहे हो यार बाइक भी नहीं करते क्योंकि 1.5 महीने हो गए मेरे को बिना बाइक चलाए तो बड़ा अजीब सा फील हो रहा था उसके और घर पे बाइक हो रही टेंशन नहीं होती कि जब कुछ तो है कुछ ना हो डिप्रेशन ये संडे नाइट के मैसेज कर रहे साले आप घर पे बैठे एग्जैक्टली यही फीलिंग आती है। बट थैंक यू सो मच इनसे हम रेगुलर फॉलोअप लेते गया मैं इन्होंने मेरा सारा जो जितना भी प्रोसेस था जो बाइक पे लेने का टाइम था वो सारा कट डाउन हो गया मेरा एक्चुअली 10th की मेरी 2 दिन पहले की बिलिंग सब कुछ हो चुकी तो ओवरऑल सब कुछ प्रोसेस हो चुका है बाकी जो छोटे मोटे पार्ट्स है वो लग रहे हैं जो इन्होंने जो कावासाकी की प्रमोशन करी थी वो हमने यूज करी एक तरीके से मेरी एक चाबी मेरे पास है। थैंक यू मेरी जब बेनेली की सेकेंड एनिवर्सरी हुई थी ना तो मैं नैनीताल में ऐसे ही आया बस सही है ओके शैल आई स्टार्ट या गो थोड़ा सा लगे नहीं तो मजा नहीं। सो फाइनली
लिविंग कावासाकी वेस्ट दिल्ली। थोड़ा सा अनइजी हो रहा था अभी जब बाइक राइड करके आया, एक टेस्ट राइड करके आया था छोटी सी, उसकी वजह से। सो रोहित इज गोइंग अलॉन्ग विद मी। ओके गाइस, लेट्स रोल ऑन दी 10R। लेट्स रोल। नेवर यूज टू इट, आई एम नेवर यूज टू सुपर स्पोर्ट्स। Feels really, really different, man. Finally, I have the new ZX10R. Aim कर रहा था मैं, और आज मेरे हाथों में ये. Oh man, it feels so good. मेरे भाइयों की वजह से, कावासाकी के स्टाफ की वजह से आज जो डिलीवरी गई है बहुत ही सूदिंग गई है. It was really, really beautiful, and I am glad that all of those guys were able to make it to this special day. And of course, this bike has the one of the smoothest quick shifter. Downshift. Downshift, upshift, upshift, downshift. So smooth, man. And also you can toggle in the menu for setting the lean angle. So abhi ye minimum lean angle the and it's running at the lowest mean angle, which is like 13 degree left and 5 degrees right. सो अभी मुझे नहीं पता कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी कुछ मुझे इस बाइक का नहीं पता है. राइट, अभी जो मैंने जो स्पीडोमीटर में आपको ये जो डिस्प्ले लग रहा है, दिस इज बेसिकली द रेस ट्रैक मोड. And also one more thing, it is advisable to use a quick shifter above 4000 RPM, not below than that. So, इसमें जब एग्जॉस्ट लगेगा ना, जो बैक फायर आएगा, it's gonna be awesome, dude. बहुत मजा आ रहा है सुपर स्पोर्ट्स चला के. I am living my dream, I can say. Oh, मैंने काफ़ी टाइम से अपने लैपटॉप पे वॉलपेपर तक लगा रखा था इसी बाइक का, कि आएगी आएगी आएगी, एंड फाइनली आई हैव इट टुडे. नाउ द लास्ट थिंग इज टू कैप्चर द फैमिली रिएक्शंस, बिकॉज इज द फर्स्ट टाइम मैंने घर पे बता के बाइक ली है. यूजली मैं बताता नहीं था, वरना वो बहुत मारते मुझे. अब क्या होगा, प्यार मिलेगा या मार, वी विल सी. Now I'm going to capture my brother's reaction. Let's see क्या होगा उस, क्या reaction है भाई का. Let's see. Reaction देख रहे हो भाई का मेरे, कह रहे कमर पे दर्द होगा नहीं होगा. ओह दर्द हो गई? नहीं कुछ नहीं हुआ. मम्मी कैसी लगी? मम्मी कुछ बोल नहीं पा रही मेरी. तो मनी भी पैसा भी हरा है, देख बाइक भी हरी लाया हूँ. वैदू कैसी लगी बाइक? ब्रूम ब्रूम, मेरी बाइक आ गई, खो गई थी ना. सो जिसके मेन रिएक्शन चाहिए थे वो पापा अंदर है मेरे, झाड़ू और चप्पल से तैयार है. बट ठीक है, अभी पूजा वूजा कराते हैं इसकी, फिर एक बार देखते कहाँ जाएंगे. थैंक्स ब्रो, मिलते हैं फिर संडे राइड पे अगली. घर में तू सत्या बनाना भूल गई क्या? नहीं अभी तो टीका लगाया, फिर सत्या बनाएंगे. ओके, तो यही चाहिए था, पूजा करा दूँ सो दैट कि मन भी संतुष्ट हो पूरा.
टेम्पररी नंबर है मम्मी, अभी नंबर आता है रजिस्ट्रेशन के बाद। फाइनली घर आ गई। सो फाइनली आई एम बैक होम एंड द फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस ऑफ द न्यू 10R इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। आई एम ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड विद सच ह्यूज वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दिस बाइक हैज टू ऑफर, राइट? सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट कूलिंग पीरियड टू एंड बिकॉज सो दैट आई कैन राइड द बाइक विदाउट एनी लिमिटेशन। Secondly, thank you to each and everyone who conveyed me the wishes for my new bike. It feels really, really good. And thank you to each and everyone who made it to this special day for making it more memorable. Thank you so much, guys. So thereby, I'm going to end this vlog. If you really like it, please hit the like button. And in case you haven't subscribed to the channel yet, make sure you subscribe to it. This is Travel Kida signing off. Bye-bye.